गिल्टी हो तो जितना ज़्यादा वो मान लो उसने नहीं किया है लेकिन फिर भी दुर्भावनावश विद्वेषवश उसको फंसा दिया गया है तो उतने समय तक वो भी सफ़र करेगा, उसकी फैमिली भी सफ़र करेगी। तो स्पीडी ट्रायल इसलिए कि जल्दी से जल्दी इस केस का डिस्पोजल हो जाए। उसमें लिमिट दी गई है कि कितने दिन के बीच में आपको 90 डेज में इसका चार्जशीट फाइल की जानी चाहिए और इतने कोर्ट के सामने ये केस आ जाना चाहिए। तो ये सेक्शन 14 में है अपना अनन्य विशेष न्यायालय। इसके बाद लोक सेवा का था पब्लिक सर्वेंट है, ये आईपीसी में जो सेक्शन 21 है उसमें पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई कि कौन कौन से पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये तो पढ़ा है आपने। अनुसूचित जातियाँ क्या होती हैं बताएंगे कोई, कहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कहीं? हाँ बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हूँ। हाँ हाँ हाँ, राष्ट्रपति करता है लेकिन किस अनुशंसा किसको करता है? राज्यपाल को। हाँ ठीक है, बिल्कुल बराबर है। ये कहाँ है, ये कहाँ पर है, कहीं पढ़ा आप लोगों ने? है 366 में, आर्टिकल 366 में जो क्लॉज है 24-25, इसमें बताया गया है अनुसूचित जाति क्या है और अनुसूचित जनजाति क्या है। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो दी गई है आर्टिकल 341 और 342 में। ये चीज़ें तो पहले कह रही, शुरुआत मेरे को बताना चाहिए था कि अनुसूचित जाति क्या है, अनुसूचित जनजाति क्या है। आपको पता होना चाहिए हर स्टेट का जो रहता है ना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अलग अलग होते हैं। जो एमपी में एससी में आ रहा है या एसटी में आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि महाराष्ट्र में एससी में आए या एसटी में आए। जैसे राजस्थान में मीणा होती हैं, वो कोई मीणा तो नहीं है, अदरवाइज मत लेना, मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत पढ़े लिखे होते हैं वो लोग। मोस्टली उनमें है ही कि वो सारे यूपीएससी और बहुत सारे आईएएस में मीणा देखेंगे। एमपी में भी कोई आईएएस, बहुत सारे आईएएस हैं जो मीणा हैं। तो क्या होता है जब सिलेक्शन होता है तो कैडर अलॉट होता है, तो उसमें बहुत सारे जैसे राजस्थान में नहीं हुआ उसको कैडर नहीं मिल पाया तो एमपी में कैडर ले लेते हैं वो लोग कि नियर अबाउट है राजस्थान, तो इसलिए। तो वो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन वो राजस्थान में मीणा एससी में आते हैं लेकिन एमपी में एससी में नहीं आते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि जो एमपी वाले भी हैं वो राजस्थान से डोमिसाइल बनवा लेते हैं तो वो वहाँ पर एप्लीकेबल होगा लेकिन यूपीएससी में ऑल ओवर उसमें होता है। ये चीज़ें हैं। तो ये अपना है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आर्टिकल 366 के क्लॉज 24 और 25 में, और इनकी जो डेफिनेशन है 341 में और 342 में है कि ये दिया जाएगा। इसके बाद फिर विशेष न्यायालय वही आर्टिकल आपका सेक्शन 14 में है कि कोई शेषन न्यायालय है। और इसमें फिर एक जो वकील होता है मतलब अभियोजक बोलता है, विशेष लोक अभियोजक सेक्शन 15 में है। इसके लिए जो केस जो प्रेजेंट करता है कोर्ट के सामने वो एक स्पेशल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उसको। रेगुलर जैसे ADPO होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, तो वो होता है किसके लिए कि मजिस्ट्रेट के सामने जो केसेस होते हैं उनके लिए। और जो लोक अभियोजक होता है जो उससे ऊपर जो सेशन न्याय कोर्ट में जो रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट को वो होता है। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा, सेम प्रोसीजर वही रहता है, उसको अपॉइंट कर देते 7 ईयर का टेन्योर रहता है, 7 साल उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए तब उसके बाद वो विशेष लोक अभियोजक हो जाता है। क्योंकि इतना समय इसलिए लिया जाता है कि प्रैक्टिस करते करते उसको इतना नॉलेज हो जाना चाहिए कि ये चीज़ें हैं कि क्या है कैसे चीज़ें प्रोसीजर होता है, क्योंकि नया आदमी जो होता है उसको इतना नॉलेज नहीं होता। आप लोग भी शुरुआत में ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपका जो क्लैरिकल स्टाफ होगा वो समझाएगा कि ऐसा होता है। ये ट्रेनिंग जो आजकल तो ट्रेनिंग मतलब सीधा अपॉइंटमेंट दे देते हैं उसके बाद ट्रेनिंग के लिए भेजते रहते हैं, तो दोनों चीज़ें चलती रहती हैं साइमल्टेनियसली। तो वो इसलिए होता है कि आपको उसका एक्सपीरियंस हो जाए कि क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करना है ये सब चीज़ें। इसके बाद शेड्यूल में है कि बताया गया इसमें कि शेड्यूल दिया गया कि कौन कौन से पनिशमेंट करोगे। आप किसी के घर में आग लगा दी तो कितना मुआवजा देना चाहिए, किसी का मर्डर हो गया या ऐसी कुछ क्षति हुई तो उसके पीछे शेड्यूल दिया हुआ है पीछे उसमें कि उसके 25,000, 50,000, 2 लाख रुपए तक उनको कंपनसेशन गवर्नमेंट देती है। इसके बाद सोशल बॉयकॉट है, वो बताया मैंने आपको। पीड़ित है, पीड़ित जिसके प्रति अपराध किया गया, विक्टिम कौन हुआ, जिसके प्रति अपराध हुआ वो विक्टिम कहलाएगा, वो जो चाहे SC को या SC कैटेगरी का। और अपराध कैसा भी हो सकता है, शारीरिक हो सकता, मानसिक हो सकता, मनोवैज्ञानिक हो सकता है, इमोशनल फाइनेंशियली किसी भी तरीके का, फिजिकल मेंटली फाइनेंशियली इमोशनली किसी भी तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली असॉल्ट करें आपको, आप कहीं जॉब कर रहे हो या कुछ भी बिजनेस कर रहे हो
आपको फाइनेंशियली मेरे को ब्लॉक करना है तो मैं आपके हायर अथॉरिटी से बात करूंगा, या जिसे जो है कोई प्राइवेट होगा या मेरे इन्फ्लुएंस में आएगा तो बोलूंगा यार इसको निकाल दो, मेरी आपसे लड़ाई है और उसका आपके बॉस से मेरी बनती है, तो मैं आपको जॉब से निकलवा दूंगा, तो क्या वो ये फाइनेंशियल हो गया आपको ब्लॉक कर दिया साइकोलॉजिकली कि आपको प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, कैसे कुछ भी अब्यूजिव चार लोगों को भेज दिया जाओ उसके यहाँ गाली गलौज कराओ, तो इसको खाली कराना मेरे को घर, तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर हो गया कि रोज़ चार आदमी कुछ नहीं आपके घर के आगे जाके खड़े हो जाए ऑड आवर्स में, तो आपको टेंशन हो जाएगी ना यार ये रोज़ चार आदमी क्यों खड़े हो जाते हैं यहाँ पे, आप निकलो तो भाग जाएंगे, तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, ये होते हैं ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली लाइफ में होता है, बहुत सारे हथकंडे लोग अपनाते हैं हर तरीके से, तो ये हुआ तो कोई भी क्राइम हो फिजिकली मेंटली फाइनेंशियली इमोशनली किसी भी तरीके से आप उसको हर्ट कर रहे हो तो ये वो पीड़ित है विक्टिम है वो इसके, और वो SC ST कैटेगरी का और उसके खिलाफ कोई SC ST के अलावा कोई कर रहा है तो फिर वो इसके तहत इस कानून का प्रेशर ले सकता है कि साहब हमें इस तरीके से परेशान किया जा रहा है ये चीज़ें, तो ये विक्टिम में आएगा। और फिर इसके बाद होता है विटनेसेस, सबसे बड़ा खेल एक विटनेस, किसी भी अपराध की सज़ा दिलाने के लिए जो विटनेस होते हैं साक्षी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, साक्ष्य अधिनियम एविडेंस में होता है कि जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए, दो टाइप के एविडेंस होते हैं एक डायरेक्ट और एक डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जैसे आप ये लिख रहे हो आपने ये लिख के नोट्स बनाए आपकी राइटिंग में है तो कहीं कुछ भी होगा तो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा कि साहब ये है, तुम बोलोगे कि हाँ मैंने लिखा हुआ है तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया, या आपके सर ने नोट्स दिए आपको तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया, और जो डायरेक्ट एविडेंस है आपने कुछ देखा जैसे मैं पढ़ाने आया आप इतने सारे हो तो हाँ इन्होंने मेरे को पढ़ाया ये चीज़ें, तो ये डायरेक्ट हो गया कि जिसने वो काम होते हुए देखा है वो डायरेक्ट हो गया, मान लो किसी को कोई कोई गाली गलौज कर रहा है मार रहा है तो क्या हो गया डायरेक्ट हो गया। तो सारे जो होते हैं केसेस में डिस्पोजल्स जो होते हैं वो एविडेंस के बेसिस पे ही होता है, जब तक एविडेंस नहीं होगा तो आप कैसे प्रूफ कर पाओगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साक्षी बोलते हैं इसको विटनेसेस की। किसी भी इन्वेस्टिगेशन में होगा तीन तरीके के होता है, सबसे पहले इंक्वायरी होती है जांच नहीं अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन उसको बोलते हैं, जांच तो खैर जुडिशियल शब्द हो जाता है, तो सबसे पहले कोई वो होगा इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें कोई गिल्टी पाया जाएगा आगे चीज़ें, जांच अन्वेषण अन्वेषण जांच और विचारण ये तीन प्रोसीजर होते हैं कोर्ट में, पहले सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होगा फिर इंक्वायरी होगी फिर ट्रायल, मतलब विचारण जो बोलते हैं ना ट्रायल चल रहा कोर्ट में तो कोर्ट के सामने जो प्रोसीजिंग चलती है वो ट्रायल बोलता, तो वो विटनेसेस किसी भी लेवल पर हो सक जा सके अपना स्टेटमेंट दे सकता है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा उसने बोला कि सर इन्होंने देखा या कोई है, कई बार स्वतंत्र साक्षी भी होते हैं कोई एक्सीडेंट में टक्कर मार के चला गया तो कई बार होता ना कि उसका कोई उससे रिलेशन नहीं होता लेकिन बोलते कि हाँ इस गाड़ी ने टक्कर मारी है हमने देखा है, तो ये इंडिपेंडेंट विटनेस हो गया, लेकिन उसको जब इन्वेस्टिगेशन होगा जब चीज़ें होंगी तो उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं तो वो स्वतंत्र हो गया, और वहाँ इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप अपने बयान, उसके बाद फिर जब इंक्वायरी होती उस समय जब कोर्ट के सामने इंक्वायरी चलती उस समय उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, फिर इसके बाद एक और फर्दर होता है जब ट्रायल चलता है तो उसमें जो इससे जो जिसने विटनेस दिया जो अगेंस्ट वाला होगा उसका लॉयर आपसे पूछेगा कि भैया आप सच भी बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, तो ये यहाँ पर किसी भी केसेस में जो विटनेस होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यहाँ पर भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है, जब तक उनको देखना कोई है पब्लिक प्लेस पर, जैसे एक इसमें है पब्लिक प्लेस पर बहुत होता था पहले आज भी होता है कि साहब इनने मेरे को जाति सूचक शब्द बोले, तो पब्लिक प्लेस पर तो बोले तो कोई ने देखा होगा ना, तो वहाँ पर जो देखा होगा वो आगे बताएगा कि हाँ सर इन्होंने बोला ऐसा बोला इस तरीके से बोला, तो उसके जो रहेगा उसके फेवरेबल हुआ, तो ये चीज़ें जो रहती हैं विटनेस, ये विटनेस है कि आपके जो खिलाफ कोई क्राइम हुआ तो उसको कौन जानता किसने देखा ये सारी चीज़ें ये विटनेस है। इसके बाद फिर आता है कि जो भी शब्द इस अधिनियम में लॉ में डिफाइन नहीं किए गए उनका वही अर्थ होता है जो IPC एविडेंस और CRPC में, खैर ये आप लोगों का मतलब का नहीं है इतना डीप नहीं आएगा लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए कि इस लॉ में कहीं पर भी कोई शब्द जो भी नहीं दिए गए हैं मतलब स्पेसिफिकली बहुत सारे इन्होंने डिफाइन किए हैं जहाँ नहीं किए गए हैं तो उसका यही मतलब होगा, या IPC में दंड संहिता में कोई शब्द यदि दिया गया तो उसका वो मतलब होगा, या एविडेंस में कहीं होगा या CRPC में होगा, क्योंकि ये तीनों जो लॉ हैं एविडेंस तो खैर सिविल और क्रिमिनल दोनों में चलता है, IPC दंड संहिता है कि दंड उसमें डिफाइन होगा, और CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहलाता है वो भी स्पेसिफिकली दंड दिलाने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसके लिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर डिफाइन होगा वो,
तो उसमें यहाँ नहीं है, तो उनमें जो डिफाइन हुआ तो उसका वही अर्थ लगाया जाएगा। यहाँ पर फिर अब अपन आते हैं अध्याय दो जो है अत्याचार के लिए दंड, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटी। सेक्शन तीन में अपने बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो अपराध होंगी। तो इस मेन मेन जैसे मैं बता देता हूँ कि कुछ भी ऐसी चीज़ आप ज़बरदस्ती खिलाते हो उनके मुंह में, जब कहता ना उनकी इच्छा नहीं है कुछ, कई बार लोग गोबर खिला देते हैं, मैला खिला देते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं बेटा। आपको हंसी आ रही है लेकिन ये होता है रूरल एरियाज़ में। आप न्यूज़ में पढ़ना कभी भी, हर रोज़ एक ना एक खबर आती है ऑल ओवर इंडिया में इस तरीके की कि कहीं इस तरीके से इस एक्टिविटीज़ हुई है ये चीज़ें, या आपने उनके दरवाजे पे कचरे का ढेर लगा दिया, नाली खोल दी, आपकी जो नाली है उसको खोल दिया, उनके सामने गंदगी फैलने दी, तो ये सब चीज़ें ऑफेंसेस हैं ये। उसके बाद आपका आता है कोई आपने जानवर बांध दिया जो उनके घर के सामने गंदगी पैदा कर रहा है, ये भी ऑफेंस है। इसके बाद एक होता है कि गाँव में अब कम हो गया, पहले फिर भी कहीं बहुत ज़्यादा होता है कि उनको अपमानित करने के आशय से लोग जूते की माला पहना देते हैं, तो ये भी ऑफेंस है। इसके बाद फिर आपको बाल काट देना होता ना, अभी एक डायन वाला चला था 2 साल पहले चोटी काट दो डायन, तो क्या होता है कि आपका जो क्या प्रतिष्ठा जुड़ी हुई रहती है ना चीज़ें, आप डायन बता के काट दिया उसको बोल दिया तो पब्लिकली तो उसकी बेइज्जती हुई ना, आप कौन होते उसके बाल काटने वाले। यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप जाके कंप्लेंट करो, लॉ है ना, आप खुद जस्टिस नहीं कर सकते हो, न्यायपालिका काहे के लिए बैठी हुई है, सिस्टम काहे के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन काहे के लिए बनाया गया, इसीलिए बनाया गया ना कि आप लोग उसमें भी, यदि लोग बोलते हैं कि पुलिस नहीं सुनती है तो कोर्ट में भी डायरेक्ट कंप्लेंट होती है, आप सीधे उसको प्राइवेट कंप्लेंट बोलते हैं, यदि आपको पुलिस नहीं सुन रही है कुछ भी हो, बहुत कई बार पैसे से इन्फ्लुएंस हो जाता है तो, लेकिन कोर्ट में अभी भी जिनाइन लोग बैठे हुए हैं कि आपकी सुनवाई होती है, आप सारी चीज़ें प्रॉपर जाओगे, कोर्ट आपके घर जस्टिस देने नहीं आएगी, आप परेशान हो तो आपको न्याय मांगने वहाँ तक जाना पड़ेगा, आपको अपनी परेशानी बतानी पड़ेगी। अब जैसे आप यहाँ पढ़ने आए हो, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, सर ने पढ़ा दिया, मैंने बता दिया, लेकिन मुझे लगा कि आपने समझ लिया, सर ने समझ लिया, लेकिन आपको कोई परेशानी है तो आपके डाउट्स है तो आपको क्लियर करने पड़ेंगे ना सर के पास जाके। इसी तरीके से आपके पास कोई, आपको कोई अत्याचार हो रहा है, कोई अपराध कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपने पुलिस कंप्लेंट करी, नहीं सुन रहे हैं, एक प्राइवेट कंप्लेंट होती है, आप प्राइवेट कंप्लेंट लगाओ कोर्ट के पास, नहीं है आपके पास लॉयर तो एक रिटेन में दे दो, जाके वहाँ फाइल करो, आपकी सुनवाई होगी। यदि आपके पास लॉयर नहीं है तो कोर्ट आपको लॉयर अपॉइंट करके देगी, विधिक सहायता बोलते हैं उसको, तो वो ऐसा है कि आप जब मांगने जाओगे तो पूरी टोटल रेमेडीज मतलब होता है, आपकी जो परेशानी है वो दूर की जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद उनसे कोई ऐसा काम करवाना कि जो उनकी गरिमा के खिलाफ है कुछ भी, ये भी ऑफेंस में आएगा आपका। उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेना, खेती की ज़मीन मिली, सरकार ने पट्टा दिया, जोत रहे दबंग लोग, या फिर वो मेहनत कर रहा है बेचारा 3 महीने 4 महीने फसल कटने को आ गई, बोले हमारी ज़मीन है, वो कहाँ लड़ने जाएगा बेचारा गरीब आदमी। तो कम से कम यहाँ पर उसको एक उपचार प्रदान किया गया है कि वहाँ पर जाए तो इसके थ्रू कंप्लेंट रजिस्टर करे तो उसमें उसको प्रॉपर रेमेडी मिलेगी। इसके बाद फिर आपका है कि एक शब्द आया इसमें सदोष, है ना, रॉन्गफुली। सदोष मींस कि रॉन्गफुली मींस कि आपकी इच्छा इंटेंशन के बिना और आपकी कंसेंट के बिना, आपकी इच्छा और सहमति दोनों चीज़ें अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग हैं। कैसे, इच्छा है मेरी कि आप ये करो, लेकिन आपने मेरे को प्रेशराइज किया कि यार तुम्हें करना है, या इस तरीके से कुछ सरकमटेंसेस ऐसे डेवलप कर दिए, तो मैंने इच्छा प्रकट कर दी लेकिन मेरे अंदर सहमति नहीं है कि यार आप ये करो। और सहमति फिर आपने किस तरीके से प्राप्त करी, डरा के, धमका के, बल प्रयोग करके, तो फ्री कंसेंट नहीं हुई ना। तो आप किसी की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हो उसकी कंसेंट के बिना, उसकी इच्छा के बिना, तो उसकी विल के बिना, तो ये जो है रॉन्गफुली, ये सारे मतलब रॉन्गफुली आप कब्जा कर रहे हो सब चीज़ें, उसमें सदोष कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर कवर होंगी। इसके बाद वही इन्होंने बताया ना कि बेगार करना, कि मीन्स कहीं कहीं काम कर रहा है कोई तो आप उसको नौकरी से हटवा दो, या उसके
बिजनेस को लॉस पहुंचाओ, कुछ भी करो, ये चीज़ें हैं। इसके बाद आपका ये कोई भी होता है जो रूरल एरियाज़ में खेती करते हैं लोग, तो अपने जानवर पालते हैं, जानवर ऐसा तो है नहीं कि उनकी डेथ होती है, मरते हैं तो उनको दफनाते हैं, क्योंकि ऊपर ओपन में कर देंगे तो स्मेल आएगी, बीमारियां फैलने का खतरा रहेगा। तो गांव में शायद ऐसा स्पेस रहता कि यहां पर जानवर दफनाए जाए, ऐसा कुछ, तो उनको वहां पर दफनाने नहीं देना। ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी। कहीं पर किसी को उनको हाथ से सफाई करने देना या कुछ भी करना, ये अपने यहाँ जैसे अभी पहले था ना, स्वीपर्स होते थे जो पहले हाथ से साफ करते थे, अब वो बैन लग गया, उस पर सरकार ने लॉ बना के इसको ख़त्म कर दिया है। अब हाथ से मैला वो नहीं उठा सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो उनको उस तरीके से मजबूर करना, ये सब चीज़ें ऑफेंसेस में आएंगी। आपको इलेक्शन में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, इलेक्शन में बोल देना कि भैया ये है, इसको ही वोट डालना है, नहीं डालोगे तो तुम्हें रहने नहीं देंगे, मारेंगे पीटेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं बहुत सारी। यूपी बिहार में बहुत सारे जो गांव इस तरीके के रहते हैं, वहाँ बोल देते हैं कि तुम्हें गांव में रहना है तो इसको वोट देना है। अब नहीं तो वहाँ पर तो बूथ कैप्चरिंग होती है, उनने कहा उनने वो जो होता है, पहले तो सील लगती थी, आजकल वो हो गया वीवीपैट मशीन आ गई है, लेकिन तब वो कुछ भी नहीं, उनने जाके मशीन ले ली और टक 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 दबा दिया, उन्होंने बैलेट लिया और ठप्पा मार के डाल दिया, तुम जाओ, तुम्हारा वोट डल गया, अब मत आना। तो ये चीज़ें भी आप उसके नाम पे उसका राइट का वॉलेशन करें ना कि, तो ये चीज़ें भी इसके अंदर कवर होंगी। इसके बाद वही है कि पंचायत गांव में होती है, तो पंचायत में जैसे सरपंच होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, उसको काम नहीं करने देना। कई बार सीट रिजल्ट होती है ना, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती हैं, लोकसभा में होती है, विधानसभा में होती है, कि जो पॉपुलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग सीट की, जिसकी पॉपुलेशन जितनी एसटी के पॉपुलेशन है 70-75% का ऐसा है, यदि इतनी एससी हैं तो उसकी सीट एससी हो जाएगी, या एसटी में इतने हैं तो सीट एसटी डिक्लेयर होगी। और इसी तरीके से पंचायत में भी होता है, तो सरपंच उनका है लेकिन चलाएंगे हम, तो वो भी ऑफेंस है कि वो उसका एक राइट का वायलेशन है कि वो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है और आप उसको वायलेट कर रहे हो, तो ये भी ऑफेंस में आएगा। इसके बाद कोई ऐसी सूचना देना या जो किसी पब्लिक सर्वेंट को ऐसी सूचना गलत जानकारी देना है उसको परेशान करने के लिए, इसने साल कोई भी जैसे होता ना कि पनिश करते हैं लोग, चोरी हो गई हाँ, या किसी का नाम लिखा दिया। कई बार प्यून का बहुत सारे लोग होते हैं कि सर हमारे प्यून ने चोरी करी या भाई ने चोरी करी या नहीं करी, एक्चुअली उसमें नहीं भी करी हो तो परेशान होता आदमी, तो उसके लिए यदि गलत कंप्लेंट कर रहा है इस तरीके से परेशान करने के लिए, तो वो भी इसके अंदर आएगा। गाली गलौज करना, जाति सूचक शब्द बोलना पब्लिक प्लेस पर, ये बहुत होता है, उसकी सबसे ज़्यादा फर्जी कंप्लेंट भी इसी की होती है कि सर इन्होंने हमें जाति सूचक शब्द बोला इस तरीके से, हम इस कैटेगरी में आते हैं और उन्होंने हमें अपमान किया। तो पब्लिक प्लेस पर यदि बोलता है और कोई एविडेंस मिलता है ये चीज़ें हैं, तो फिर ये इसके अंदर पनिशेबल होगा। वही है, कोई आप उसको पानी नहीं पीने दो, या कुआं है उसका हैंडपम्प है उसका यूज़ नहीं करने दो, मंदिर में मत जाने दो, तो ये चीज़ें हैं, ये सब भी ऑफेंसेस होंगे। इन सब के लिए ये ऑफेंस हैं, लेकिन इसका ये जो अपराध है इनके लिए सजा है, सिर्फ डेफिनेशन मतलब मैं बता रहा हूँ, ये इतने इसलिए बताया मैंने कि ये सब अपराध की कैटेगरी में आते हैं इतने सारे जो हैं, लेकिन अकेले अपराध की डेफिनेशन नहीं। ये अपराध यदि आप किसी के खिलाफ करते हो या कोई उनके खिलाफ करता है, तो वो पनिश होगा, मिनिमम 6 मंथ होगी उसकी पनिशमेंट, और वो 5 साल तक, 6 महीने से लेके 5 साल तक की इसमें सजा है, और जुर्माना अलग है, पेनल्टी भी है। पेनल्टी इसलिए है कि वो जो सफ़र कर रहा है वो उसको कुछ कंपनसेट किया जाए, तो पेनल्टी भी इसमें सारे केसेस में जितने भी हैं पनिशमेंट के साथ में पेनल्टी भी है, वो पेनल्टी गवर्नमेंट देगी, या फिर जिसने ऑफेंस किया उसकी संपत्ति फोरफीटेड करके, चाहे मूवेबल हो इमूवेबल हो, कोर्ट बेच देगे उसको देके और बाकी का रिटर्न कर देती है। ये केसेस ऐसे होते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये लॉ है इसमें मृत्युदंड का भी प्रावधान है। शायद आपके प्रॉब्लम्स में कई एक आध बार पूछा गया हो कि ये कुछ ये माइनर लॉस कहलाते हैं, इसमें यदि आपने किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति के खिलाफ कोई फॉल्स फैब्रिकेशन एविडेंस किया, मतलब कोई ऐसा अपराध उसने किया है
या नहीं किया है, आपने फेक एविडेंस क्रिएट किया या आपने खुद गवाही दी या फैब्रिकेशन किया कि साहब इसने ऐसा कोई मतलब मर्डर किया है या जिसमें मदर मृत्युदंड का है, मतलब कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं, तो उसने किया है, तो उसको यदि मृत्युदंड हो जाता है, आपने गवाही दिया, एविडेंस दिया, कुछ भी दिया, और यदि उसको मृत्युदंड हो जाता है, बाद में पता चलता है कि जांच होती है, पता चलता है कि ये गलत था, फैब्रिकेटेड था, इन्होंने खुद ही मतलब षड्यंत्र किया, कॉन्स्पिरेसी करी, फैब्रिकेटेड किया, और तो फिर उसमें जो जिसने फैब्रिकेटेड किया, जिसने कॉन्स्पिरेसी करी है, उसको भी सेम पनिशमेंट मिलेगा। मतलब लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है इसमें, ये सेक्शन लिख लो आप, 3(2) सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 का 1 में है कि मृत्युदंड का प्रावधान इसमें है, ये आपके मेमोरी के लिए, बाकी मैं नोट कराऊंगा यदि आप लोग चाहोगे तो ब्रीफ दे दूंगा कि किस तरीके से, लेकिन ये सेक्शन आपको मतलब याद रखना है कि आगे भी कभी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि किस सेक्शन में मृत्युदंड का प्रावधान है, और यदि उसको मृत्युदंड नहीं मिलता है, उसको यदि कोई लाइफ इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास सुना होगा आप लोगों ने, तो यदि उसको आजीवन कारावास दिया जाता है, तो फिर वो जो इसने फैब्रिकेटेड किया है, जैसे कॉन्फ्रेंसी करी है, तो उसको आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। ये चीज़ें हैं। इसके बाद यदि उसका आप घर में आग लगा दी या घर को विस्फोट से उड़ा दिया, तो यदि वो खुद के रहने के लिए है तो लाइफ इम्प्रजनमेंट मतलब आजीवन कारावास मिलेगा, और यदि पशु मतलब अपने जानवरों वगैरह के लिए है तो उसके लिए टेन्योर है 7 साल तक का, यदि खुद रह रहा है या पूजा के लिए यूज़ कर रहा है तो फिर उसके लिए लाइफ इम्प्रजनमेंट है, और इसमें पेनल्टी हमेशा रहेगी। इसके बाद आपका वो है कि यदि कोई ऐसा अपराध करता है कि जो इसमें डिफाइन नहीं है, आईपीसी में डिफाइन है, तो फिर जो आईपीसी में जो सज़ा दी गई है वो सज़ा उसके लिए दी जाएगी। हाँ ठीक ठीक है। उसमें दो हैं, एक है सीआरपीसी में, दोहरा उम्र के ये पढ़ने को मिलता है, ये क्या होता है वो सर ऐसा।